कांस फिल्म फेस्टिवल की चाहत जहां फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को रहती है, तो इसी के साथ हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड, इसके शुरू होते ही रेड कार्पेट पर खुद को बेस्ट दिखाने की शुरुआत हो जाती है। वैसे इस साल कांस का रेड कार्पेट भी रहा काफी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड डिवास के लिए। तो इस बार भी ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनम कपूर के बीच थी कांटे की टक्कर। चाहे ही कांस 2013 में मिले मिक्स्ड रिस्पॉन्स से ऐश कुछ ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन इस बार ऐश ने सबका मुंह बंद कर दिया, जहां उन्होंने एंट्री ली रॉबर्टो की स्ट्रैपलेस गोल्ड गाउन में। वेल, ऐश ने इस अटायर में खुद को काफी अच्छे तरीके से कैरी किया। जब फॉर्मर मिस वर्ल्ड रेड कार्पेट पर उतरी तो मानो सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी गई थी। पिछले साल की उनकी लुक को अगर कंसीडर किया जाए तो उन्होंने सबको दिया जवाब इस बार अपनी फिट एंड टोन्ड अपीयरेंस के साथ। शोइंग ऑफ अ सेक्सी लीन अवतार, मिसेस बच्चन शट ऑल द क्रिटिक्स। हर साल की ही तरह इस साल भी ऐश ने रॉबर्टो की ही क्रिएशन को किया ऑप्ट, और गोल्डन स्ट्रैपलेस फिश टेल गाउन को ऐश ने किया टीम अप गोल्ड रिंग के साथ। सॉफ्ट कर्ल्स, बोल्ड रेड लिप्स ने ऐश्वर्या की लुक को किया कंप्लीट। इसके साथ अगर सोनम की पहली अपीयरेंस की बात करें कांस 2014 की, तो वो भी कहीं कम नहीं लग रही थी। सोनम ने ली एंट्री रेड कार्पेट पर एली साफ की वॉल्यूमिनस ब्लैक गाउन में, और इसके साथ सोनम ने पेयर किया इयररिंग्स और पिंक लिपस्टिक को। लेकिन ऐश कहीं ना कहीं सोनम से लुक्स के मामले में कुछ ज्यादा ही हॉट और स्टनिंग लग रही थी। आगे बात करते हैं ऐश की दूसरी लुक पर, जहां उन्होंने एक बार फिर ऑप्ट किया रोबोटो का ही बाइट गम। न्यूड लिप्स, स्ट्रेट हेयर एंड ब्राइट आईज ने कंप्लीट किया उनकी लुक को, और कहीं ना कहीं उनकी अपीयरेंस रही काफी सिमिलर पहली अपीयरेंस के साथ। वेल, शायद ऐश को यहां कुछ हटकर और कुछ नया ट्राई करने की जरूरत थी। और अब बारी एक बार फिर बेवकूफिया एक्टर सोनम कपूर की। दिस टाइम स्लिप्ड इनटू अ कंटेंपरेरी पेल पिंक अनामिका खन्ना काउचर नेट साड़ी, जिसे उन्होंने पेयर किया एक एलिगेंट नेक पीस के साथ। जिमी चू के सैंडल्स भी सोनम ने अपनी ड्रेस के साथ किए पेयर। गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल सोनम दिस टाइम टेक्स अवे द नंबर एज बच्चन बहू प्लेड सेफ एंड रेपिटेटिव। हियर कम्स द फाइनल लुक अबाउट व्हिच वी आर टॉकिंग। ऐश की फाइनल अपीयरेंस एम्फार गाला एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। मिसेस राय बच्चन ने किया इस बार ऑप्ट शिमरी अरमानी गाउन को। बोल्ड लिप्स, टर्क्विस आई मेकअप एड स्पार्क्स टू हर लुक, और इस लुक के साथ बाजी मारती दिखाई दी ऐश एक बार फिर। और सोनम ने अपनी अपीयरेंस में डेजल किया पाउडर ब्लू एलिसा गाउन में, काफी स्टाइलिश नेकलेस और अमेजिंग क्लच के साथ उन्होंने अपनी लुक को किया फिनिश्ड इन सब के साथ। वेल, इस बार हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से खुद को किया काफी बेहतरीन अंदाज में पेश। जहां एक तरफ ऐश लग रही थी स्पार्कलिंग एंजल, तो वहीं सोनम ने भी इस बार सूदिंग कलर्स के साथ खुद को काफी कूल वे में किया रिप्रेजेंट। तो ये तो था इस साल कांस में इन दोनों हसीनाओं का जलवा, जहां सुनने में आया है कि सोनम 3 सूट केसेस के साथ पहुंची थी कांस फिल्म फेस्टिवल में खुद को अपेयर करने। तो ऐश ने भी इस बार अपनी टोन्ड फिगर के साथ सबको कर दिया हैरान। अब देखना ये है कि ऐश वर्सेस सोनम का ये कंपटीशन अगले कांस यानी 2015 में क्या नया और हैपनिंग लेकर आता है। एंटरटेनमेंट डेस्क से हरलीन कौर, 10 नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।